हाय फ्रेंड्स, आई एम कौसर एंड यू आर वॉचिंग कौसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एनआईयूएस के स्टूडेंट के लिए और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनआईयूएस सोशल साइंस के यानी कि एनआईयूएस 10th क्लास के सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास के आपका जो भी पेपर है अप्रैल में हो या फिर आपके अक्टूबर नवंबर में हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पे मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ क्वेश्चन की ये 101% आपके यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। मैं यहाँ पर इसको मतलब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो है आपके सोशल साइंस के और यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका है एक्सप्लेन एनी 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। देखिए, यहाँ पर जो आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए, मैंने यहाँ पर आपको बताएं 10 क्वेश्चन बताए हैं और 10 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। आपके पेपर में आप देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद में आपका जो है थर्ड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। तो यहाँ पर है डिस्क्राइब एनी 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज इन इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 5th जो क्वेश्चन है वो है सजेस्ट द वेज टू सेव अवर इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी स्टार्टिंग के आपको मैंने 4 क्वेश्चन बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आती है तो, और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं यहाँ पर आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, इतने आपके लिए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, इनको आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे मतलब सबको मैंने रीड किया है, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, बिकॉज ये आपके पूरे साल का सवाल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही कोई नहीं बना दिए, मैंने आपके यहाँ पर आपका 10 ईयर वगैरह, सॉरी 10 ईयर मैं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपके आपके साइट पर मिल जाएंगे आपको, तो इन क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो देखा है कि हाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कवर अप कर लेते हो, अच्छे तरीके से आपको इनको कर लेते हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप इनके पीडीएफ चाहते हैं, इनके आंसर के पीडीएफ चाहते हैं, तो लास्ट में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 6th क्वेश्चन है कि राइट मेजर स्टेप विच मेजर स्टेप्स विच वर अंडरटेकन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन पब्लिक ओपिनियन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेसी। उसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एम्पावरमेंट वाला भी, वुमेन एम्पावरमेंट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लेन देयर रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लास्ट आपका है एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर आपका लास्ट 10th क्वेश्चन है एसेस एनी 4 चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, ये 10 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँगी इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करिएगा, क्योंकि क्या होता है पूरा 2 बुक आपकी होती हैं एसएसटी की और उनको कर पाना, सबको रीड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपके जो टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को यहाँ से, इस पेटीएम ये आपका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे पेटीएम करके यहाँ से आप व्हाट्सएप से आप इसको, इसका जो आंसर का पीडीएफ है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।